हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया एमबीए यूट्यूब चैनल, जहां पे हम देते हैं बहुत सारी जानकारी रिलेटेड टू एमबीए कोर्सेज, एमबीए का स्कोप एंड एमबीए के अलग अलग स्ट्रीम्स। सो आज जिस टॉपिक के बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं वो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। व्हाट इज द स्कोप इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्या होता क्या है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड क्या आपको एमबीए के बाद स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, या फिर किन कॉलेजेस को आपको टारगेट करना चाहिए। इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, होता क्या है। So basically, एक कंपनी के सारे ऑपरेशंस के फंक्शंस को जब आप मैनेज करते हो, ऑपरेशंस के फंक्शंस में क्या क्या आता है, आप क्या आता है प्रोडक्शन मैनेजर, इन्वेंटरी, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, इन सारी चीजों को जब आप मैनेज करते हो, दोज रोल्स आर नोन एज ऑपरेशंस मैनेजर। सो जनरली ऑपरेशंस मैनेजर के रोल जो भी है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के रोल जो भी है, वो थोड़े से हैवी ऑन मैथ्स रहते हैं, हैवी ऑन इंजीनियरिंग रहते हैं। तो थोड़े से जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रहते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, एंड कंपनीज भी थोड़ा सा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तरफ बायस रहेगी, बिकॉज उनका प्रीवियस वर्क एक्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट ही रहता है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं, उसका स्कोप क्या है वो समझते हैं। अभी रिसेंट टाइम में बहुत पॉपुलैरिटी हो गई है ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, सप्लाई चेन खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है। सप्लाई चेन में क्या आता है, बेसिकली आपके प्रोडक्शन से लेके आपके जहां तक भी आपका प्रोडक्ट जाना है, फाइनल प्रोडक्ट आपका जहां भी जाना है आपके एंड कस्टमर तक, उन सारी लॉजिस्टिक्स को सप्लाई चेन कहते हैं। अच्छा, सिर्फ जाने का ही नहीं, आने का, रॉ मटेरियल्स के सप्लाईज को भी हम सप्लाई चेन में ही काउंट करते हैं। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड बहुत ज्यादा स्कोप भी है आपको सप्लाई चेन में, नॉट जस्ट इन प्राइवेट सेक्टर बट ऑल्सो इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास कैसे काम रहेंगे, आपके पास रोल्स रहेंगे ऑपरेशन मैनेजर, प्लांट मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सारे रोल्स रहेंगे। तो थोड़ा सा रोल्स के बारे में और बात करते हैं, क्या क्या रोल्स रहते हैं और उनकी डिटेल्स। तो सबसे पहले है प्रोडक्शन मैनेजर। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके प्रोडक्शन में, उसकी क्वालिटी में, सिक्स सिग्मा क्वालिटीज, सिक्स सिग्मा आप आगे जाकर पढ़ेंगे अगर जिनको नहीं पता है, इट्स एफिशिएंसी लेवल, क्वालिटी लेवल, सो सिक्स सिग्मा टॉप मोस्ट क्वालिटी लेवल रहता है, वो सारी चीज आपको हैंडल करनी पड़ेगी। सेकेंड रोल आता है इन्वेंट्री मैनेजर। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बेसिकली वेयर हाउस मैनेजमेंट, इस तरह के रोल्स रहेंगे, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कितना इन्वेंट्री आपके पास है, कितना आपको चाहिए, कितना आप आगे मंगवाओगे, कब मंगवाओगे, बेस्ड ऑन लीड टाइम। मान लो आपका प्रोडक्ट 10 दिन लगा रहा है तो 10 दिन पहले से ही आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा, भाई इस दिन हमें मंगवाना है। सो दीस काइंड ऑफ अ रोल्स, एंड बेसिकली ये रोल्स ई कॉमर्स वेबसाइट से बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड इवन थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विस लाइक डिलीवरी एक्सेट्रा। सो ये अच्छे रोल्स आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के देते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई चेन, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करी थी। सप्लाई चेन को बताया था मैंने एंड टू एंड, आपके जितने भी सप्लाईज हैं, आपका प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल कैसे सप्लाई होगा, कहां से कहां कैसे जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव वे में। अब जरूरी नहीं है कॉस्ट इफेक्टिव ही हो, कहीं पे आपको स्पीड ज्यादा चाहिए, तो ये सारी चीज सप्लाई चेन मैनेजर करता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन कंसल्टेंट, ये होता है थर्ड पार्टी कंसल्टेंट जो ऑपरेशन की चीजों पर एज अ थर्ड पार्टी आपको सलाह देता है, कंसल्ट करता है। नेक्स्ट रोल आता है क्वालिटी मैनेजर। यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट की क्वालिटी इन चेक रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट से यू आर मैन्युफैक्चरिंग एफएमसीजी प्रोडक्ट 1 kg ऑफ सॉल्ट। अभी 1 kg ऑफ सॉल्ट में प्रोडक्शन में 1000 प्रोडक्ट आते हैं, 1000 क्वांटिटी आती है। अब सबका 1 kg एग्जैक्टली 1 kg हो, ये तो नहीं हो सकता ना, तो आप कितना एरर अलाउ करते हो, वो क्वालिटी मैनेजमेंट में वन ऑफ द रूल्स, मैंने एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी एनालिस्ट। सो वही क्वालिटी मैनेजर बस बेस्ड ऑन डेटा उसको एनालाइज करेगा, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, एनालिस्ट के मेथड्स होते हैं, उनके थ्रू करें। द लास्ट वन इज फोरकास्टिंग, आई मीन दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये एक मेजर लिस्ट है। सो फोरकास्टिंग में यू फोरकास्ट अबाउट द डिमांड, एंड उस डिमांड के फोरकास्टिंग पे आप अपना सप्लाई चेन, आप अपना इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सारे वर्क, सारे ऑपरेशंस के काम करते हैं। नाउ अब बात आती है क्या आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट लेना चाहिए। सो पहली बात, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा मैथ्स हैवी रहता है, ठीक है, इवन इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर बट आपका मैथ्स गुड है तो आप बहुत बेझिझक ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दोज रूल्स, ठीक है। MBA की हर एक स्पेशलाइजेशन तभी काम किया है व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन दोस। अगेन ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा स्कोप आपको देगा MBA के बाद। नाउ ये तो हो गया लेना चाहिए कि नहीं। अब अगर लेना चाहते हो तो विच आर द बेस्ट कॉलेजेस, मैं 3-4 कॉलेज बताऊंगा जो वन ऑफ द बेस्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। सबसे पहले SPJIMR, ये स्पेशली ऑपरेशंस मैनेजमेंट में ही स्पेशलाइजेशन करवाते हैं MBA की, एंड इट्स अ वेरी गुड कॉलेज एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए बहुत नामी ग्रामी कॉलेज। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे नीति या फिर
आई एम मुंबई कह सकते हो, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए शुरू से जाना जाता है एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट इंडिया में नीति प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है आईआईटीज बहुत अच्छे हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, जैसा मैंने बोला इंजीनियरिंग एंड मैथ्स से भी रहता है, सो थोड़ा सा आईआईटीज एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज एसजेएम सॉम एंड डीएमएस आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे का जो मैनेजमेंट स्कूल है एसजेएम सॉम एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईआईटी दिल्ली, ये दोनों बहुत अच्छे बहुत शानदार ऑपरेशंस के रोल देते हैं, कंपनीज यहाँ आती है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स ऑपरेशंस की देखने को यहाँ मिलेंगे। सो ये चार कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉलेजेस। लाइक अब आप बोलोगे कि आई एम ए में अच्छा नहीं है, ऑफकोर्स आई एम ए में ऑपरेशंस अच्छा होगा, जो जनरल एमबीए के लिए जाने जाते हैं जैसे अहमदाबाद में जनरल एमबीए, अब अहमदाबाद में ऑपरेशंस भी अच्छा होगा, अहमदाबाद में फाइनेंस भी अच्छा होगा, मार्केटिंग सारी चीज अच्छी होगी। जो स्पेशलाइज्ड कॉलेज है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के वो मैंने आपको चार बताए हैं एंड अपार्ट फ्रॉम मेजर कॉलेजेस एज। सो आई थिंक इसके थ्रू आपको अच्छा लगा होगा ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में जानने के लिए। हम हर स्पेशलाइजेशन की एक वीडियो लाएंगे जिससे आपको नॉलेज हो, जिससे आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने में, अपना करियर पाथ चूज करने में हेल्प हो। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अहेड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वॉन्ट मोर सच अपडेट्स मोर सच वीडियोस। विद दिस आई फिनिश दिस वीडियो। थैंक यू, कॉलेज दुनिया से जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर।